दोस्तों, रोज की तरह आनंद लेखनी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भवन की कामना के साथ बड़ों को मेरा सादर नमस्कार, छोटों को मेरा आशीर्वाद। मैं ठीक हूँ, आशा करता हूँ कि आप ठीक होंगे। दोस्तों, आज के सूक्ष्म पंचांग के विषय में आज 14 जुलाई 2024 आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि और दिन आज दोस्तों सोमवार का दिन है। इस तिथि को चित्रा नक्षत्र का योग है और शिव योग का संयोग बन रहा है। आज के अभिजीत मुहूर्त की बात करें, शुभ मुहूर्त की बात करें दोस्तों, 12:03 से 12:51 तक। ब्रह्म मुहूर्त की बात करें दोस्तों, 4:11 से 4:52 तक। और आज के अमृतकाल की बात करें दोस्तों, तो 7:54 से 8:28 तक। राहु काल की बात करें तो दोस्तों, आज 5:36 से 7:19 तक राहु काल का समय रहेगा। इस दौरान किसी भी प्रकार के शुभ कार्य को करना वंचित माना गया है। आज सूर्य उदय दोस्तों 5:32 पर हैं और सूर्यास्त जो है 7:21। आज सप्ताह का प्रथम दिन सोमवार, जो शिवजी को समर्पित और सोमदेव को समर्पित माना जाता है। शिवजी जो हैं दोस्तों, अनेक प्रकार के शुभ सुचिता और इस सृष्टि के संहारकर्ता के रूप में सृष्टि में अवतरित हुए। जब इस सृष्टि में कुछ नहीं था तो केवल शिवजी ही इस संसार में विद्यमान थे, ऐसा हमारे शास्त्रों की मर्यादा है। सोमवार की प्रकृति दोस्तों सम होती है। भगवान शिव और चंद्रदेव को समर्पित यह दिन सुख और अनेक प्रकार की शांति, अच्छी सेहत और शुचिता के भावों और उपवास करने से शुभ मनोवांछित फलों की प्राप्ति का द्योतक बना है। दोस्तों, भगवान शिव के बारे में अनेक प्रकार के वृतांत हमारे शास्त्रों में विद्यमान हैं। शिव ही सत्यं शिवं सुंदरम कहा गया है। शिव ही सत्य है, शिव ही सुंदर है और शिव ही सब कुछ है। तो सभी देवताओं में शिव सर्वाधिक कल्याणकारी माने गए हैं और मंगलों को करने वाले और अनेक प्रकार के विध्वंसों को हरने वाले हैं। शिव के संबंध में दोस्तों, हमारे वेदों में, शास्त्रों में अनेक प्रकार से के दृष्टांत हैं। जब इस सृष्टि में कुछ नहीं था तब शिव का ही स्वरूप दिखाई देता था, ऐसा हमारे शास्त्रों में विद्यमान है। तो प्रलय काल में ही दोस्तों शिव ही शेष रहेंगे, ऐसा हमारे जो ज्योतिष शास्त्र और विद्वान हैं उनकी इस प्रकार के भाव हैं। तो शिव अनादिकाल से ही अनंत हैं। सृष्टि का प्रारंभ शिवलिंग की स्थापना से हुआ है और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र ने, जब रावण अत्याचारी अहंकारी रावण 10 शीश और वीर भुजाओं से संपन्न जो रावण था, उसका वध करने के बाद रामेश्वरम में भगवान शिव के शिवलिंग की स्थापना की और शिव की सबसे बड़ी स्तुति करने का, शिवलिंग की पूजा भाव और स्थापना करना रामचंद्र जी ने अपने हाथों से
रामेश्वरम में जो शिवलिंग की स्थापना की, आज भी वह साक्षात रूप में विद्यमान है। अनेकों श्रद्धालु दूर दूर से जाकर के रामेश्वरम के दर्शन करते हैं। शिवलिंग की पूजा करके मनोवांछित फलों की कामनाओं को पूर्ण करते हैं। इस प्रकार दोस्तों, सुंदर शिव को ही ग्रंथ पुराणों में ब्रह्मा के नाम से भी संबोधित किया गया है। सृष्टि में जब कुछ नहीं था दोस्तों, शून्य व्यापक था, उसमें ब्रह्मांड में केवल अंधकार ही फैला हुआ था, तो शिव ने ही दोस्तों सूर्य की उत्पत्ति की, ऐसा हमारा शास्त्रों का विधान है। रात और दिन की रचना करके शिव ही दोस्तों ब्रह्मा कहलाई, और शिव सृष्टि के ब्रह्म है, और ब्रह्मा और विष्णु के साथ शिव का नाम कल्याणकारी माना गया है। लेकिन शिव इंद्र और देवताओं से भी उच्च देवता हैं, और समुद्र मंथन के समय दोस्तों सुर और असुरों और राक्षसों के बीच में जब युद्ध प्रारंभ हुआ, तो शिव ने विस्पान करके देवताओं को विपत्ति से मुक्त कराया था। ऐसा कल्याणकारी कार्य कोई भी देवता नहीं कर सकता था ऐसा, और इसीलिए शिव जो हैं सुर और असुर दोनों में पूजनीय देव माने गए हैं और न्याय प्रिय हैं। और शिव ने सबके कल्याण की कल्पना करते हुए सबको अनेक वरदान दिए और सृष्टि के विध्वंसकारी असुरों के प्रकोप से भी बचाने का प्रयास किया। असुरों का कल्याण करके उन्हें शक्तिशाली बनाया, और पुराणों में इस प्रकार के वर्णन है दोस्तों। शिव जी जो हैं अनेक त्रिपुर हैं, भस्मासुर हैं, रावण जो कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र के हाथ से उनका वध हुआ था, तो दैत्यों को वरदान देकर महान भी उन्होंने बनाया था, जिसको मारने के लिए रावण ने किस प्रकार का अत्याचार किया गया। कभी कभी दोस्तों देवता भी विवश हो जाते हैं, तो उन्हीं कारणों से शिव ने जो है रावण को वरदान दिए थे। तो रावण के भाई को कुबेर तक को उन्होंने कोषाध्यक्ष बना करके अनेक प्रकार के, और दीपावली के अवसर पर हम कुबेर देवता की पूजा करते हैं, देवताओं में वह पूजनीय माने गए हैं। तो भगवान शिव जो है सर्व विद्यमान हैं, सबको समान भाव से देखने वाले हैं। प्राचीन हमारे वेदों में, ग्रंथों में, पुराणों में शिव का विस्तृत वर्णन मिलता है। अगर हम शिव चालीसा का पाठ करें और शिव जी का अनेक प्रकार से शिव पार्थिव पूजा करें, तो उसमें शिव जी के अनेक प्रशंसनीय प्रसंग मिलते हैं, और उनकी महानता के कारण अनेक नामों से उनको पूजा जाता है। तो दोस्तों, शिव अपनी महानता के कारण संपूर्ण भारत में ही नहीं, विदेशों में भी अनेक भक्त उनके हैं, उनको मानते हैं, और ओम नमः शिवाय का जाप करके इसी मंत्र में दोस्तों शिव जी का पूरा स्वरूप छुपा हुआ है। ऐसा मंत्र जिसके उच्चारण मात्र से मन मस्तिष्क में दूषित विचारों का विनाश होता है, और शिव के इस मंत्र से आत्मशक्ति में वृद्धि होती है, और बुद्धि का विकास होता है, और अनिष्टकारी बाधाएं हमारी हमेशा के लिए समाप्त होती हैं। तो दोस्तों, विश्व में शिव की पूजा सबसे प्राचीन है, मंगलकारी कही जाती है। शिव को सगुण और निर्गुण दोनों रूप में पूजा करने का विधान है। शिव की पूजा शिवलिंग की मूर्ति व शिव जी के ध्यान रख करके ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंध्यं पुष्टिवर्धनं पूर्वारुक्म्यं मृत्यु बंधना मृत्योर्मोक्षी मामृतम्, अर्थात शिव की पूजा संकटों से सुरक्षा करती है, और आराधक को दीर्घ आयु प्रदान करती है, और शिव की पूजा रत्न भूषण और धन धान्य से भी करते हैं, और बेलपत्र है, फल है, फूल है, जल अर्पण करके भी कर सकते हैं। इस प्रकार भोले भंडारी शिव सभी तरह से पूजा से प्रसन्न होकर आराधक का कल्याण करते हैं। इस प्रकार के भावों को अनेकों बार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र ने जिस प्रकार से भगवान शिव को भी कहा कि अगर जो शिव की उपासना करते हैं वो भी वही मेरी भक्ति कर सकता है,
अगर वो शिव की उपासना नहीं करता है वो मेरा सच्चा भक्त नहीं। तो शिव सत्यम शिवम सुंदरम की अभिरुचि को उन्होंने उनकी प्रासंगिकता को साकार रूप में व्याप्त करने के भाव को किया। दोस्तों आज के लंकाकांड के प्रसंग में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने त्रिवेणी में आकर प्रभु ने हर्षित होकर जब वन से लंका से वह त्रिवेणी तक अयोध्या लौटते समय त्रिवेणी में पहुंच जाते हैं वहां पर उन्होंने अपार हर्ष की अनुभूति का अनुभव किया और वानरों सहित ब्राह्मणों को अनेक प्रकार से दान दिया। अपने सुफल कर्मों 14 साल के वनवास के अंतराल में जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी त्रिवेणी में जाते समय भी रुके और जब 14 साल के वनवास के बाद वो वापस आए तब त्रिवेणी में उनको अपार आनंद की अनुभूति का संचार हुआ। तो इस प्रकार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी लंका से पत्नी सही श्री राम जी ऐसे लंका से आते हुए पुष्प विमान में इस प्रकार से सुशोभित हो रहे हैं मानो सुमेर की शिखर पर बिजली सही श्याम मेघ हो, यानी सुंदर विमान बड़ी शीघ्रता से चल रहा है और देवता हर्षित हुए और उन्होंने फूलों की वर्षा की। तो कल के प्रसंग में दोस्तों इस प्रकार के भाव थे, अत्यंत सुख देने वाली और अत्यंत ही मन को शांत करने वाली शीतल मंद सुगंधित वायु चलने लगी और समुद्र तालाब और नदियों का जल निर्मल और पवित्र हो गया। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी जहाँ जहाँ से अपने पुष्प विमान से होते हुए अयोध्या की तरफ बढ़े उसी प्रकार वहाँ के वातावरण में इस प्रकार का परिवेश होने लगा, चारों ओर सुंदर शगुन होने लगे, सबके मन में प्रसन्नता और आकाश में आकाश की दिशाएं भी निर्मल होने लगी। तो श्री रघुनाथ ने कहा हे सीते रणभूमि देखो, लक्ष्मण ने यहाँ इंद्र को जीतने का जब वह वहाँ पर पहुँचे थे तो वहाँ पर उन्होंने कहा कि लक्ष्मण ने यहाँ इंद्र को जीतने के लिए मेघनाथ को मारा था और हनुमान और अंगद के मारे हुए ये भारी भारी निशाचर रणभूमि में इस प्रकार से गिरे हुए हैं, उनको पूरा वृतांत उनको दिखाया। तब देवताओं और मुनियों को दुख देने वाले कुंभकर्ण और रावण दोनों भाई यहाँ पर मारे गए। इस प्रकार से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने लंका से लौटते समय जहाँ जहाँ जो कार्य हुए उनका विस्तार से सीता जी से विमान से दिखा करके उनको, यानी मैंने यहाँ पुल बांधा और सुखधाम शिव जी की स्थापना की रामेश्वरम में, तदंतर कृपा निदान श्री राम जी ने सीता जी से रामेश्वर महादेव को प्रणाम किया। तो विमान में बैठ कर के उन्होंने प्रणाम किया और वन में जहाँ जहाँ करुणा के सागर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी निवास किया उन्होंने, जहाँ जहाँ विश्राम किया सब स्थान पर प्रभु ने जानकी जी को दिखलाए और सबके नाम विस्तार से पूर्ण विवरण के साथ बताए। तो दोस्तों विमान शीघ्र ही वहाँ चला गया और परम सुंदर दंडक वन था। तो दंडक वन में उन्होंने विमान को जब चल रहा था तब अगस्त आदि ऋषि बहुत से मुनिराज वहाँ पर रहते थे और श्री रामचंद्र जी इन सबके स्थानों में उन्होंने विचरण किया, सबका आशीर्वाद प्राप्त किया और अपने मन को शांत किया, प्रेम के भावों से अपने को आनंदित किया, संपूर्ण ऋषियों का आशीर्वाद प्राप्त किया और पाकर जगदीश्वर श्री राम जी चित्रकूट आए। उसके तदंतर बाद वह चित्रकूट में आए और चित्रकूट पर उन्होंने अनेक प्रकार की लीलाएँ की। वहाँ पर भरत जब अयोध्या से आए थे तो भरत से उनका मिलन हुआ, मुनियों को संतुष्ट किया, विमान वहाँ से आगे तेजी से चला गया। फिर श्री राम जी ने जानकी जी को कलयुग के पापों को हरण करने वाली सुहायनी यमुना जी के दर्शन कराए और फिर पवित्र गंगा माता के दर्शन कराए और श्री राम जी का इसी थे इन्हें प्रणाम करो, गंगा को प्रणाम करो, गंगा जिस प्रकार की पवित्र से आच्छादित सीता जी थी उसी प्रकार गंगा भी पवित्रता की पत्नी थी। तो इस प्रकार दोस्तों फिर तीर्थराज प्रिया को देखो,
पृथ्वीराज प्रयास को दिखाया जिसके दर्शन से करोड़ों जन्मों के पाप भाग जाते हैं। तीरथ पति पुण्य देख प्रयागा निरखत जन्म को अगवागा। देख राम देख पवन पावन पुण्य बेनी हरिनि शोक हरि लोक निशी। और फिर परम पवित्र त्रिवेणी जी के दर्शन करने को कहा और शोकों को हरने वाली और श्री हरि के परम धाम पहुँचने के लिए सीढ़ी के समान फिर अत्यंत पवित्र अयोध्यापुरी के दर्शन करने को लिए कहा और पुण्य देख अवधपुरी अति पावन त्रिविधताप बहुरोग नसावन। वही अयोध्या जो राम राज बैठे त्रिलोका हर्षित भय गई सुखरोरा रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। तो त्रिविध पापों को तीन प्रकार के दैहिक दैहिक पापों का तापों का अंत करने वाली जो परम भूमि पवित्र भूमि अयोध्या है वहाँ पर वह विचरण करते हैं। वहाँ पर सीता जी को दिखाते हैं। सीता शहीद अवध कहूँ तीन कृपाल प्रणाम सजल नयन तन पुलकित पुनि पुनि हर्षित। तब यूँ कहकर कृपाल श्री राम जी ने सीता जी शहीद पुरी अवधपुरी के को प्रणाम किया और मन वचन और वाणी से श्रद्धा के भावों को समर्पित करते हुए और अयोध्या अवधपुरी को प्रणाम किया। 14 साल की वनवास के दौरान जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी को अयोध्या दिखी तो वह गदगद हो गए और बहुत ही पुलकायमान हो गए और सजल में उनके नेत्रों में जल भराया और पुलकित शरीर होकर रामचंद्र जी बार बार प्रसन्नता का अनुभव किया। तो पुनि प्रभु आय त्रिवेणी हर्षित मंजन की कपिन सहित विप्रन कहूँ दान त्रिविध विधि दी। तो फिर भी त्रिवेणी में आकर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी हर्षितों का स्नान किया और इसी स्नान को करने के बाद बानरों सहित ब्राह्मणों को अनेक प्रकार के दान दिए। ये भाव दोस्तों कल के प्रसंग में रामचरितमानस में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र ने पुष्पक विमान में आकर के जिस प्रकार से सीता जी को पूर्ण रूप से वहाँ का वृतांत जहाँ जहाँ जिससे जिस प्रकार से युद्ध हुआ जब सीता जी का हरण हो गया था तब उस युद्ध का पूरा ज्ञान और पूरे भावों को और पूरे विचारों का वृतांत करते हुए सीता जी को संपूर्ण भावों को उनको पूर्ण व्याख्या के साथ सभी लोगों का आशीर्वाद प्राप्त करके अयोध्या नगरी में प्रवेश करने के लिए त्रिवेणी पर्व उतरी। तो दोस्तों प्रेम रस होता है तो संसार मोह का सागर है दोस्तों जिससे पार पाना अत्यंत दुष्कर है। रामचरितमानस में भी और गीता में भी दोस्तों अनेकों जगह कहा है यह संसार नश्वर है और अनेक जगहों पर इस प्रकार के प्रसंग हैं कि मानव जीवन नश्वरता का स्वरूप है। कोई सौभाग्यशाली ही इसका पार पा सकता है। तो राम राज बैठे त्रिलोका हर्षित भय गए सब शोका। तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के राज्य में जो जिन लोगों का जो लोग थे उनकी मंगल कामना उनके भावों उनके जीवन में जिस प्रकार का आनंद की अनुभूति थी वह प्रेम रस के कारण थी। तो दोस्तों अन्यथा सब जीवन व्यर्थ चला जाता है। हमारा जीवन जो है अगर हम उसका सही प्रयोग नहीं करते हैं सही अनुकरण नहीं करते हैं सही मान मर्यादा नहीं रखते हैं तो हमारा जीवन ऐसे ही व्यर्थ चला जाता है। तो मनुष्य इसमें डूबता है क्योंकि उसके ऊपर इतना भार बढ़ता जाता है कि वह तैर कर भी पार नहीं हो जाता। तो यह भार होता है जिसके अहंग का विकारों का और स्वार्थों की ओर अज्ञानता का। तो मनुष्य समझ ही नहीं पाता है कि यह अज्ञानता क्या है और जिन चीज़ों से मोह उसके मन में पनप रहा है
अंततः उसके दुख के ही कारण वह बनते हैं। तो रावण के मन में जिस प्रकार के प्रेम रस से रहित भावनाओं का संचार हुआ, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र ने जिस प्रकार के प्रेम रस की धारा को अपने भक्तों के लिए अपनाने का प्रयास किया, तो अपने प्रति, अपने परिवार के प्रति, अपने परिचितों के प्रति, वस्तुओं और शक्तियों के प्रति आकर्षण प्रेम की परिभाषा में नहीं आता है। तो त्वरित सुख इससे भले ही हमारे जीवन में मिलता है, लेकिन ऐसे सुख से अनेक दुख उत्पन्न होते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी हमेशा इससे विरत रहने की कोशिश की और मनुष्य जीवन की चेतना को रामचरितमानस के माध्यम से सचेत करने के भावों का संचार किया। तो प्रेम रस के बारे में दोस्तों मेरे भावों का औचित्य यही है कि मनुष्य दूसरे की सुखों की ओर भागता है, एक से दूसरे सुख की ओर दौड़कर जीवन चलता रहता है, जीवन का चक्र चलता रहता है, जो मनुष्य को थका देता है, उसको कभी भी तृप्ति नहीं होती है और निराश कर देते हैं। तो आकर्षण और प्रेम में दोस्तों अंतर समझने की आवश्यकता है। आकर्षण अस्थायी और आधारहीन होता है, वह आज है कल नहीं है। प्रेम एक ऐसा स्थिर और निरंतर भाव है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के प्रति उनके भक्तों का जो अपार स्नेह था, प्रेम था, उसी प्रेम के परिणाम स्वरूप मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने अपने भक्तों को जिस प्रकार से अनेक प्रकार के संसार के माया मोह के बंधनों से विरक्त करके मोक्ष की प्राप्ति की। तो आकर्षण अस्थायी और आधारहीन होता है, प्रेम एक स्थिर और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। और मन में उपजता है और उसके प्रति भी होता है, जो हमें दिखाई नहीं देता है और किंतु हम उस पर विश्वास करते हैं, उसे अनुभव करते हैं। तो मूलतः प्रेम एक से किया जाता है और एकनिष्ठ प्रेम ही सुखदायक है। तो एकनिष्ठ प्रेम ही जीवन को स्फूर्त कर देने वाला होता है और प्रेम का यह भाव सहज से प्राप्त नहीं होता है। इसके लिए पहले अपने ऊपर के सारे भार उतारने पड़ते हैं और भार मुक्त होकर जब मनुष्य अपने आप को तिरोहित कर देता है और परमात्मा की शरण में जाकर पूर्ण समर्पण करता है, तभी परमात्मा की कृपा उसके मन को प्रेम के रस से भरपूर कर देती है। तो यह प्रेम दोस्तों रस की एकमात्र सूत्र है जो मनुष्य को परमात्मा से जोड़ने की एकमात्र सूत्र है, जो मनुष्य को परमात्मा से जोड़ने में सहायक होता है। प्रेम द्वारा ही मानव जीवन में परमात्मा को पाया जा सकता है और प्रेम विहीन मनुष्य की स्थिति सुनसान घर के मेहमान के समान है, जिस प्रकार घर में कोई नहीं होता है और मेहमान आ जाता है, वहाँ पर मेहमान का किसी प्रकार का आदर नहीं होता है, तो प्रेम से रहित व्यक्तित्व का यही हाल होता है। इसीलिए आतिथ्य सत्कार की अभिलाषा लेकर किए गए मेहमान की को जस का तस उसकी अपेक्षाकृत प्रेम न मिलने से वह लौट जाता है। और हम प्रेम के महत्व को अगर इन्हीं भावों की प्रेरणा को लेकर के अपने जीवन में अपनाने की कोशिश करते हैं,
तो प्रेम दोस्तों हमारे जीवन के लिए अनमोल व्यवस्था है, परमात्मा द्वारा प्रदत्त अनमोल व्यवस्था है। और बिना किसी आसक्ति के, बिना किसी निष्काम भाव से जो प्रेम हमारे अंतःकरण में उपजता है, वही हमारी भक्ति का सबसे बड़ा सार होता है। और संसार की सारी वस्तुएं और इच्छाएं जो है उसको हम समझते हैं, तब हम अपनी महत्वाकांक्षाओं को समाप्त करते हैं। अनेक प्रकार के जो अपेक्षाओं का जाल, महत्वाकांक्षाओं का जाल, आवश्यकताओं, अनपेक्षित आवश्यकताओं का जाल हमारे जीवन में बुनता है, उस जाल को प्रेम के रस भावों से हम दूर कर सकते हैं। इन्हीं भावों को के भावों को उजागर करने के लिए रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के आशीर्वाद और प्रेम के भावों से जिस प्रकार से वह लंका से अयोध्या की तरफ लौटते हैं, वापस आते हैं, वापसी होती है, सीता लखन और राम चंद्र जी सही जब वह अनेक प्रजा के साथ जब वह विमान में त्रिवेणी पर पहुंचते हैं, वही प्रेम रस के भाव उनके अंतर्गत में जागृत होते हैं। अपने भक्तों के प्रति आशावान होकर के, आस्थावान होकर के, भक्तों की प्रेम के भावों को और अपने मन मंदिर में अंतरित करते हुए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी इसी प्रकार कहते हैं। तब भगवान राम जी कहते हैं, प्रभु हनुमंत ही कहा बुझाई, धरि बटु रूप अवधपुर जाई, भरत ही कुशल हमारी सुनाय हूँ, समाचार ले तुम चले आओ। तो दोस्तों, जो बहुत दिनों के बाद अगर कोई इतनी बड़ी आत्मा अगर अयोध्या में लौट रही हैं, अनेक प्रकार की विषमताओं परेशानियों में को जूझते हुए अपने जीवन को समतामूलक भावों से अभिभूत करके मानव जीवन के कल्याण के लिए अनेक राक्षसों का वध करके उनको मोक्ष की प्राप्ति कर राम रस के भावों में अनेक भक्तों को के भावों को संचार करने वाले और देवताओं के लोक कल्याण और ऋषि मुनियों के को हमेशा के लिए इस जीवन में स्वतंत्रता के भावों से यज्ञ करने के लिए जिन्होंने ऐसे भावों का संचार किया, तो वे अब अयोध्या में लौट करके आते हैं। तब वह त्रिवेणी में स्नान करते हैं, तब वह कहते हैं, तो प्रभु अपार हर्ष की उनको अनुभूति है, प्रभु हनुमंत कहा बुझाई। तब अंतर प्रभु ने हनुमान जी को समझा कर कहा, क्या कहा, धरि बटु रूप अवधपुर जाई, तुम ब्राह्मण ब्रह्मचारी का रूप धर के अयोध्या में जाओ, आगे को अवधपुरी में जाओ, और भरत ही कुशल हमारी सुनाए हूँ, और भरत जी को हमारी कुशल सुनाना, और समाचार ले तुम चले आए हूँ, और उनका समाचार लेकर किस प्रकार का वहाँ परिवेश है, कैसे भरत जी अपना शासन कर रहे हैं, प्रजा में किस प्रकार के भाव हैं, अयोध्या में सुख की अनुभूति है नहीं है, इन सभी भावों के किस प्रकार का परिवेश वहाँ पर हो रहा है, उसके बारे में पूरा सूचना ला करके हमको सुना। तुरत पवन सुत गौतम भयऊ गौनत भयऊ, तब पवन सुत हनुमान जी तुरंत ही आज्ञा पाकर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी की अपेक्षा के अनुसार वह जो है चल दिए। तब प्रभु भरद्वाज कहीं गए हूँ, तब प्रभु भरद्वाज जी के पास गए, नाना विधि मुनि पूजा की नहीं, और मुनि ने इष्ट बुद्धि से नाना विधि पुनि पूजा की नहीं, स्तुति करी पुनि आशीष दी नहीं, और इस प्रकार से परमात्मा की पूजा करके उनके अनेकों प्रकार से पूजा की और स्तुति की और फिर लीला की दृष्टि से आशीर्वाद दिया। तब मुनि पद बंद जुगल कर जोरी
चढ़ी विमान प्रभु चले बहुरी। यहाँ निषाद सुना प्रभु आए, नाव नाव का लोग बोला। तब दोनों हाथ जोड़कर तथा मुनि के चरणों की वंदना करके प्रभु विमान पर चढ़कर फिर आगे चले। और वहाँ फिर जब निषाद जो है राज ने सुना कि प्रभु आ गए हैं, उनको समाचार त्रिवेणी के में उनको स्नान कर रहे हैं, विश्राम कर रहे हैं, तब उन्होंने नाव कहाँ है, नाव कहाँ है करके वह चिल्लाने लगे, पुकारने लगे। और लोगों को उन्होंने अनेक प्रकार के लोगों को बुलाया वहाँ पर, अपने बिरादरी के जो लोग थे उनको बुलाया। सुरसरी नाग ना जान तब आयो, उतरे हूँ तट प्रभु आयसु पायो, तब सीता पूजी सुरसरी बहु प्रकार पुण्य चरण। तो ऐसे दृश्य को देख करके, ऐसे परमात्मा के ऐसे भावों को देख करके सुन करके इतने में विमान गंगा जी को लांघ कर इस पार आ गया। पवित्र नदी गंगा जी को लांघ करके जब इस पार नाव आया यानी विमान आया, तो प्रभु की आज्ञा पाकर वह किनारे पर उतर गया। उतरे हूँ तट प्रभु आयु सुपायु, परमात्मा या प्रभु का जो आशीर्वाद था, आज्ञा थी, उसी प्रकार विमान वहाँ पर उतरा। तब सीता पूजी सुरसरी, तब सीता जी ने बहुत प्रकार से गंगा, गंगा को सुरसरी भी कहा जाता है दोस्तों, तो गंगा की पूजा की और फिर उनके चरणों में गिरी, उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। तो दोस्तों सदा गंगा पवित्रता की सूचक है, हमारे अनेक प्रकार के पापों को, जन्म जन्मांतर के पापों को धोने वाली गंगा को स्नान, गंगा को जिस प्रकार से माता सीता जी की ने अपने उनके चरणों में अपने सिर को नवाया, उनके चरणों में गिरी, तो अपार हर्ष की अनुभूति हुई। दीन आशीष हरेश मन गंगा, सुंदरी तब अभिवाद अवंगा। गंगा जी के मन में हर्षित होकर आशीर्वाद दिया, तब उन्होंने कहा सुंदरी तब अभिवाद अभंगा, हे सुंदरी तुम्हारा सुहाग अखंड हो। तुलसीदास जी की इस प्रकार की रचना, गंगा को जैसी माँ जानकी ने उनके चरणों पर पड़ी, तो तुलसीदास ने इस प्रकार का वर्णन किया है जो हमारे हृदय को छूने वाला है। गंगा और पवित्रता, पवित्रता से जब मिल जाती है तो वह अमृत की अनुभूति हो जाती है। अमृत का की जैसे भाव, अमृत पीने के जैसे भाव उत्पन्न होते हैं, वही भाव वहाँ पर संचित हुए। और गंगा जी ने मन में हर्षित होकर आशीर्वाद दिया, दीन आशीष हरेश मन गंगा, सुंदरी तब अभिवास गंगा, और हे सुंदरी तुम्हारा सुहाग अखंड हो। सुनत गुहा आयुम प्रेम कोला, भगवान के तट पर उतरते ही बात सुनते ही निषाद राज गुह प्रेम में विह्वल होकर, निषाद ने पहले भी मर्यादा प्रसुम भगवान राम जी की का आशीर्वाद प्राप्त किया था, तो वही निषाद वहाँ पर उनको मिलते हैं और उनके आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए वह दौड़ते हैं। क्योंकि स्नेह प्रेम रस में अभिभूत जिस प्रकार से निषाद हैं, आयुष निकट परम सुख संकुल, परम सुख के परिपूर्ण होकर और प्रभु के समीप निषाद राजा बोला। यानी ऐसे निषाद राज जो नाव को चला करके अपने अपना भरण पोषण करते हैं, ऐसे मानव, ऐसे प्राणियों, ऐसे मानव जीवन को भी उन्होंने अपनी छाती से लगा करके उनसे अपार प्यार किया, स्नेह किया और उनके मान मर्यादा का के भावों से संसार को पवित्र करने के भावों का संचार किया। लियो हृदय लाय कृपा निधान सुजान राव रमापति, बैठार परम समीप बूझी कुशल सो कर बिनती, अब कुशल पद पंकज बिलोग बिरंचि शंकर सैबि जी, सुखधाम पूरन काम राम नमामि, राम नमामि जी। तब
लिल्यो हृदय लाई कृपा निधान सुजान राय रमापति। और सुजानों के राजा शिरोमणि लक्ष्मीकांत कृपा निधान भगवान ने उनको हृदय से लगा लिया। और बैठा रे परम समी बूझी कुशल सो कर विनती, अत्यंत निकट बैठा कर निषाद राशि पहली व अच्छी प्रकार उनको ज्ञान था, उनकी कुशल पूछी, तब विनती करने लगा कि अब कुशल पद पंकज विरोग विरंच शंकर सहित आपके जो चरण कमल ब्रह्मा जी और शंकर जी से सेवित हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश जो आपके चरणों में हमेशा सेवित रहते हैं, उनके दर्शन करके मैं अब कुशल से हूँ, अपार हर्ष की अनुभूति हो रही है, आपके साकार दर्शन करके मैं धन्य हो गया हूँ, मेरा जीवन धन्य हो गया है, और सुख धाम पूर्ण काम राम नमामि राम नमामि ते। हे सुख की धाम, सुख के धाम, हे पूर्ण काम, और श्री राम जी मैं आपको बार बार नमस्कार करता हूँ और मैं बार बार आपको नमन करता हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। सब भांति अधम निषाद सो हरि भरत ज्यों उर लाइयो, मति मंद तुलसी दास जो प्रभु मोह बस विसारियो। यह राव नारी चैत्र पावन राम पद रतिप्रद सदा, कामा दिहर विज्ञान कर सुर सिद्ध मुनि गावहि मुदा। यानी सब भांति अधम निषाद सो हरि भरत जूं उर लाइयो, तो सब प्रकार से नीच उस निषाद को भगवान ने भरत जी की भांति हृदय से लगा लिया, अपनी छाती से लगाया, अपने हृदय से लगाया, सम्मान दिया, प्रेम के रस को, रस की धारा को प्रवाहित करने के भावों का संचार किया। मतिमंद तुलसी दास सो प्रभु मोह बस विसारियो। ऐसे प्रसंग पर तुलसीदास जी ने जब इस प्रकार की रचना की, इसके इस प्रकार के भावों को जन सामान्य में प्रसारित करने के भावों का के भावों को आविर्भाव किया, तो तुलसीदास जी कहते हैं कि इस मंद बुद्धि के ने मैंने मोह बस उस प्रभु को भुला दिया है, मैं उनको भूल चुका हूँ, मैं उसकी उनकी वास्तविकता को नहीं जान पाया। रावण यह राव नारी चैत्र पावन राम पद रति प्रभु सदा, रावण के शत्रु का यह पवित्र करने वाला चैत्र सदा इसी राम जी के चरण में प्रीति उत्पन्न करने वाला है। और कामा दि हर विज्ञान कर सुर सिद्ध मुनि गावी सदा, और देवता सिद्ध और मुनि आनंदित होकर उसे गाते हैं। यह कामादि विकारों का अनेक प्रकार के काम से युक्त विकारों को हरने वाला और विकारों को हमेशा के लिए हरने वाले और भगवान के स्वरूप का विशेष ज्ञान उत्पन्न करने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी हमारे अंतःकरण में देवता सिद्ध और मुनि आनंदित होकर इसे गाते हैं, उनका स्मरण करते हैं, उनका ध्यान लगाते हैं। और इस प्रकार दोस्तों मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी निषाद राज को भी अपने भगवान अंतर्यामी हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन उन्हें अनेक प्रकार की मानवों से प्राणियों से जो दीन थे दयालु थे जिन पर उनका स्नेह था, वो अपने आप परमात्मा के रास्ते में आकर के अपने जीवन को धन्य कर पाते थे। यही भाव निषाद राज के ऊपर भी परमात्मा ने अपनी कृपा बरसाई। समर विजयी रघुवीर के चरित्र जी सुरहि सुजान, और विजयी विवेक विभूति नितौ तिन्हें दे भगवान। जो सुजान लोग होते हैं, जो श्री रघुवीर की समर विजयी संबंधी लीला को सुनते हैं, जो ज्ञान के भंडार को अपने अंतर्ज्ञान के भंडार से परिपूरित हैं और परमात्मा के विजय संबंधी लीला के बारे में पूर्ण वृत्तांत जिनको मालूम है, और जिन्होंने इस संसार में विजय की प्राप्ति के लिए किस प्रकार की लीलाओं का संचार किया,
उनको भगवान नित्य विजय विवेक और विभूति देते हैं, ऐश्वर्य देते हैं, उन पर कृपा बरसाते हैं। हमेशा के लिए इस जन्म मरण के बंधनों से वह मुक्त होते हैं। इस संसार में अनेक प्रकार के अज्ञान रूपी अंधकार के भावों से संचित वंचित होकर के ज्ञान रूपी प्रकाश के भावों का संसार उनके अंतकरण में होता है। ऐसे भावों को तुलसीदास ने बड़ी रस हृदय स्पर्शी स्वरूप से मानव चेतना को जगाने का जो प्रयास किया है, यह कलिकाल मलायतनंग मन करी देख विचार, श्री रघुनाथ नाम तजी ना ही निहान। तो तुलसीदास जी संसार में कहते हैं दोस्तों, अरे मन, हे मेरे मन के मैल, मन में मैल रखने वाले जो भी अज्ञान रूपी अंधकार से अभिशप्त लोग हैं, विचार करके देखो, स्मरण करो, ध्यान लगाओ, मर्यादा ब्रह्म में लीन हो जाओ, ब्रह्म के स्वरूप को देखिए, परमात्मा के की आस्था के भावों को जगाइए। और यह कलिकाल पापों का घर है। इस कलयुग में भी अनेक प्रकार के पापों कलयुग में दोस्तों कलयुग में भी रामचरितमानस के भावों को अनेक प्रकार से, अगर इनके भावों का हम सच्चे हृदय से मनन करते हैं, गुरुतास के साथ इसका अध्ययन करते हैं, इसका अध्ययन करते हैं, इनके भावों को अपने अंतर्गण में लगाते हैं, तो मन करे देख विचार, मन में यह कलिकाल भी पापों का घर है, इसमें श्री रघुनाथ नाम तजी ना ही निहान उधार। इस संसार में श्री रघुनाथ जी के नाम को छोड़कर पापों के बसने के लिए दूसरा कोई आधार नहीं है। अगर हमको कलिकाल में अनेक प्रकार के पापों से अभिशप्त से अपने को वंचित रखना है, दूर रखना है, उसे दूरी बना के रखना है, अपने इस कलिकाल में अनेक प्रकार के होने वाले पापों, अत्याचारों, व्यभिचारों, दुर्गतियों, दुर्बुद्धियों, अहंकारों, इस प्रकार के भावों से हम अगर विरक्त रहना चाहते हैं, अपने जीवन में ज्ञान का संचार करने, परमात्मा की भक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, इसका सबसे बड़ा आधार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का आशीर्वाद है। उनके भावों को, उनके गुणों के, उनकी मर्यादाओं को, उनके आदर्शों को, जिस प्रकार से तुलसीदास जी ने उनके जीवन को एक आदर्शता का प्रतिमान बना के संसार को, इस सृष्टि को, के भावों को परिवर्तित करके भक्ति के स्वरूप का वास्तविक, तो कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाए, ऐसे घटघट राम हैं दुनिया देखी, ताको प्रभु कछु अगम नहीं जावर दो उनको, तो प्रताप बड़वा नहीं जा सके। उस परमात्मा के स्वरूप में सब कुछ निहित है, उनके लिए कोई भी कार्य दुर्गम नहीं है, कोई भी कार्य कठिन नहीं है, कोई भी कार्य उनके लिए असंभव नहीं है, सब संभव है, सब कार्य उनके लिए, वह अंतर्यामी है, वह हर कुछ कर सकता है। मर्यादा जो ब्रह्मा विष्णु महेश भी जिनकी सेवतन करते हैं, जिनकी शरण में रहते हैं, ऐसे परमात्मा का ध्यान करके अगर हम किसी कहीं विचरते हैं, घूमते हैं और अपने मस्तिष्क को इधर उधर विचरण करने की कोशिश करते हैं, अनेक प्रकार के मायाजाल और भ्रम में फैल करके अपने मन को विचार इधर उधर विचरण करवाते हैं, हमको अपने मन को भ्रमित करते हैं, यही हमारी अज्ञानता का सबसे बड़ा मानक है। अपने अंतःकरण में, अपने हृदय में सच्चे भावों का सृजन करते हुए अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश की वेदना को जगाने के लिए, ज्ञान रूपी प्रकाश का संचार करने के लिए प्रत्येक मानव मात्र को कहीं भी अपने अंतःकरण में परमात्मा का ध्यान लगा करके राम, श्री राम के गुणों का आशीर्वाद प्राप्त करके अपने मनोभावों को जागृत करके उन्नति के पथ पर और सफलता की सीढ़ी पर अग्रसर होना चाहिए। यही हमारी सबसे बड़ी मर्यादा है, यही हमारे संस्कारों का सबसे बड़े भाव हैं दोस्तों, यही हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के जो आदर्श थे, जिन आदर्शों से उन्होंने अपने स्वयं के, अपने परिवार के और अपने गुरुजनों के, अपने माता पिता की आज्ञा का पूर्ण रूप से निर्वहन किया और इस संसार की माया मोह के बंधन से विरत होकर 14 साल का वनवास प्राप्त करके अनेक प्रकार के लोक कल्याणकारी कार्य करके
मानव रूप में अवतरित होकर के मानव की चेतना को जिस प्रकार से जगाने का प्रयास किया वह हमारे लिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी का बहुत बड़ा वरदान है। और तुलसीराज ने हमारे लिए यह एक बहुत पवित्र और पावन जो रामचरितमानस की रचना की है ये हमारे जीवन को कृतार्थ करने के लिए हमारे जीवन में हमेशा सुंदर भावों का संचार करने के लिए अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर बढ़ने के लिए और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए समता के भावों का संचार करने के लिए एक दूसरे के साथ भाईचारा और देश प्रेम और अपने शासन के साथ अपनी प्रजा के साथ किस प्रकार से हमको राम राज बैठे त्रिलोका हर्षित भई गई सरसोका तो राम राज्य की स्थापना करके जिस प्रकार से उन्होंने राज राम राज्य की स्थापना करके अनेक प्रकार की प्रजा के हित के कार्यों को आदर्शता के मानक के रूप में कार्य करने के लिए भरत को भी अपने साथ लेकर के मर्यादा के अनुकूल जो भी कार्य उनको दिया था उसका किंचित मात्र भी उल्लंघन न करते हुए समस्त कार्यों को शांति और मनोभावों के साथ संपूर्ण करने के भाव प्रदर्शित किए यह हमारे जीवन में सबसे बड़ा प्रेरणा का सूत्र है। इसीलिए दोस्तों रामचरितमानस हमारे देश का बहुत ही मूल्यवान ग्रंथ है। इस ग्रंथ को हमें हमेशा सजो कर रखना चाहिए ऐसे भावों को भावों से हमारे हमें अपने चिंतन को जगाना चाहिए जो हमारी आने वाली पीढ़ी है उनके भावों को आगे बढ़ने के लिए प्रतिस्पर्धा की दौड़ में आगे बढ़ने के लिए अपने भावों को उजागर करने के लिए किस प्रकार आदर्श और मर्यादा और संस्कारों के सौजन्य से हम अपने जीवन को कृतार्थ कर सकते हैं यह केवल हमको रामचरितमानस से ही प्राप्त हो सकता है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ आज लंका कांड का समाप्ति के अवसर पर मैं मांसपरायण 27वां विश्वांत समाप्त होने पर सबके कलयुग के समस्त पापों का नाश करने वाले श्री रामचरितमानस का छठा सोपान समाप्त होता है। इस अवसर पर मैं लंका कांड में विभिन्न प्रकार के जो प्रसंग आए उनको अपने मन में अंतःकरण में रखते हुए प्रत्येक मानव को मानवता का पाठ पढ़ा करके रामचरित के आदर्शों का परिमापन करके अपने ज्ञान को का संचार करना चाहिए और अपनी बुद्धि विवेक के सौजन्य से मानवता की सही रूपरेखा को के भावों का संचार करना चाहिए। सब लोग सुखी रहें खुश रहें। कल के प्रसंग में दोस्तों उत्तरकांड की व्याख्या हम करेंगे सब लोग उसका अध्ययन करेंगे सब लोग इसी प्रकार मनोबल बढ़ाते रहें। मैं सबके सफल भविष्य की कामना करता हूं जो मेरे मनोबल को बढ़ा रहे हैं मेरे ब्लॉग को सुनते हैं आनंद की अनुभूति करते हैं मुझे भी अपार हर्ष होता है। मैं सबको जो भी पाठक जो भी लोग मेरे ब्लॉग को सुनते हैं अपने मन में थोड़े से जो मेरा ज्ञान है अपने ज्ञान का जो मैं संचरण करता हूं उससे मुझे भी आपसे कुछ प्राप्त होगा सबके मंगल भविष्य की मैं कामना करता हूं। जो भी मेरे ब्लॉग के माध्यम से कुछ ज्ञान अर्जित करता है मैं परमात्मा से पुनः अनुरोध करता हूँ आशीर्वाद प्राप्त भगवान से आशीर्वाद प्राप्त करने की कोशिश करता हूँ कि सबके मनोभावों को राममय बनाएं और सब हमारे देश के प्रत्येक नागरिक में राममय जो आदर्श है उन भावों का संचार हो। इन्हीं बातों के अनुसार दोस्तों अपनी वाणी को विराम देते हुए सब लोग सुखी रहें खुश रहें प्रसन्न रहें।